डिसंबर अंधारा ती पहाड़ खुशी से झूम उठा गांव और शहर 24 दिसंबर अंधारा ती पहाड़ खुशी से झूम उठा गांव और शहर यीशु मसीह दुनिया में आया बालकपन उसने जाना मिलिया यीशु मसीह दुनिया में आया बालकपन उसने जाना मिलिया ईसा पिता ने अपना दाया दिखाया ईसा पिता ने अपना दाया दिखाया डाहर सबको दिखाया यीशु मसीह दुनिया में आया बालकपन उसने जाना मिलिया ईसा पिता ने अपना दाया दिखाया ईसा पिता ने अपना दाया दिखाया प्रभु हमारा घर आंगन खुशियों से भर दिया सारा प्रांगण यीशु मसीह दुनिया में आया बालकपन उसने जाना मिलिया ईसा पिता ने अपना दाया दिखाया ईसा पिता ने अपना दाया दिखाया गांधरस सात वहा लाया ईश्वर के वेद को वेद चढ़ाया यीशु मसीह दुनिया में आया बालकपन उसने जाना मिलिया यीशु मसीह दुनिया में आया बालकपन उसने जाना मिलिया ईसा पिता ने अपना दाया दिखाया ईसा पिता ने अपना दाया दिखाया।
मैया इधर देखो, हंस भी नहीं रही है। गुस्सा होके देख रही है, गुस्सा होके देख रही है। Thank you.
Thank you.
शरणजी का पर्व मना रहे हैं खुशी और आनंद के साथ, वैसे ही हम प्रत्येक पूरे सीरीज और मंडिका से आए हुए माता पिता भाई बहन यहाँ पर एकत्रित हम लोग भी यीशु ख्रीस्त का जन्मोत्सव मनाने के लिए, मकर त्यौहार मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम लोग एक खुशी में और ज़्यादा खुशी लाए हैं। हमारे ऋषभ स्वामी ऐसे दूर दराज और छोटी कलीसिया के लिए दिल्ली ही ऋषभ स्वामी लोग पहुंच पाते हैं। आज हम लोग सीरीज के भाई बहन माता पिता बेटे बेटियां पूरे गाँव वासी हम लोग धन्य हैं कि आज हमारे बीच में हमारे त्यौहार की खुशी में और खुशी लेकर के हमारे ऋषभ स्वामी धर्माध्यक्ष मस यहाँ पर पहुँचे हैं, जो भी कि वे बहुत व्यस्त रहे रांची आर्थ डेसिस को धर्म प्रांत को देखना और साथ में हमारे दादी धर्म प्रांत को देखना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हम पटने के लिए समय दिया है और वे विशेष रूप से इसी प्रकार से लोगों के साथ में रहना काम करना और विशेष करके दूर दराज यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं वैसे जगहों पर ज़्यादा रुचि रखते हैं और पहुँचते हैं, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है और हम प्रत्येक के लिए खुशी और आनंद का दिन जो मना रहे हैं उसे चौगुना खुशी हमारे ऋषभ स्वामी यहाँ पर आज हमारे बीच में हमारे गांव में पधारे हैं, इसलिए हम प्रत्येक क्षण आज पूरे गाँववासी जैसे उनको स्वागत करते हुए यहाँ पर गिरजाघर में लाए। फिर भी पूरे सीरीज गांव से मनिका चाहे भाईवानों की ओर से मैं आप प्रत्येक की ओर से हमारे ऋषभ स्वामी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऋषभ स्वामी यह हमारी छोटी कलीसिया है, दूर दराज में आते हुए भी आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ प्रत्येक लिए खुशी और आनंद का दिन है। सबसे बड़ा दिन इतिहास में भी हम लोग के लिए यह एक नया पन्ना है कि आप यहाँ पर हमारे सीरीज गाँव में पधारे हैं, करते हैं, इसलिए हम प्रत्येक जन खुश हैं, आनंद है और उसी खुशी में हम प्रत्येक जन आपके लिए भी विशेष प्रार्थना और अर्चना करते हैं और साथ में आप भी तो हम प्रत्येक के लिए प्रार्थना दुआ अर्चनाएँ बालक यीशु के पास चढ़ाने के लिए आए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम सभी को और आशा है कि ईश्वर आपको हर तरह से अच्छी स्वस्थ दे और हर कामों को जो आपने दिया हुआ है उसको कार्य करने के लिए और उसको जारी रखने के लिए ईश्वर से दिल पाए और आशा दे। तो हम अपनी गति से बहुत बहुत खुश हैं और आपको हार्दिक स्वागत करते हैं आज के लिए आपको आगे बढ़ाने के लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों को प्राप्त हो। जो भी हो इसको प्रभु का प्यार
Thank you.
हम प्रार्थना करें ईश्वर तुम्हें अनुग्रह मनुष्य को गौरव गरिमा प्रदान किंतु उसके पतन के बाद पहले से ही पहले से भी अधिक करुणा जो उसका नव निर्माण किया है। हमारी याचना है कि तेरी कृपा से हम अपने प्रभु सहभागी बने जो हमारे लिए मनुष्य हो गए। यही हमारी प्रार्थना है, वही हमारे प्रभु और तेरे को नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है।
आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक मनुष्य प्रकट हुआ, वह साक्षी के रूप में आया जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह साक्षी सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसको नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे ना तो रक्त से, ना शरीर और वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि पिता से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के एकलौते पुत्र की महिमा जैसे है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। योहान ने पुकार पुकार कर उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह के द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज क्रिसमस की पर्व और इस क्रिसमस के पर्व के लिए प्रभु हमारे सामने तीन बाइबल के पाठ सामने रखे। पहले पाठ में हमें पुराने ग्रंथ से बताया जाता है, आपका प्रभु आप लोगों पे राज करेगा। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें बताता है कि ये राज करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और सुसमाचार में योहान प्रभु यीशु के बारे में वो बता के बोलता है, ये प्रभु का ईश्वर का शब्द है जो मनुष्य बन गया, हमारे बीच आया लेकिन हमने उसको पहचाना नहीं। जिसने उसको पहचाना उसको अनुग्रह मिला। मेरे बा
तो मैं शुरुआत से ही बोल चुका हूँ, आप लोग को भी कलीसिया है, बहुत छोटे हैं, लेकिन कितने सौभाग्य है कि इतने लोगों के बीच हमें बुला के प्रभु ने अपनी ही ज्योति, जैसे सुषमाचार में बोल रहे हैं, पहचाने का सौभाग्य दिया। क्योंकि बोला जाता है जो प्रभु को पहचानता है उसको आनंद होता है, लेकिन सभी उसको पहचानते नहीं, सभी उसको स्वागत नहीं करते, जो स्वागत करते हैं वो सौभाग्य। लेकिन फिर भी ईसाई होने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद हमारे जिंदगी में बार बार चुनौती आती है कि हम प्रभु से दूर जाते हैं, प्रभु के तारा चमकने के बदले दूसरी चीजें हमारे सामने चमकते चमकते। देखिए वो कई दिनों में हम ये विज्ञानों की यहाँ जैसे बोलते राजाओं के पूर्व के राजाओं की परत है, एक तारा देख के चमकता हुआ तारा देख के चलते चलते यार जैसे आते यात्रा करके प्रभु के पास। याद रखिए वो तारा देखते देखते कभी वो तारा भी गायब हो जाता है और एक घूम जाता, तब जब ढूंढ के दोबारा तारा देखते हैं तभी उनका तभी वो प्रभु के पास थोड़ा सा छोड़ दिया था, इधर उधर देखने लगे थे,
बटरफ्लाई देखने लगे, फूल देखने लगे, जो मिलता है उसको इकट्ठा करने लगे। तो ये विज्ञान कभी लोगों के पास नहीं हो। हमारी जिंदगी भी ऐसी है, यहाँ वहाँ घुस गए, सारा प्रभु का तारा छोड़ दिया, प्रभु का रास्ता छोड़ दिया, तो हम कहाँ बचत जाएंगे। बालक यीशु की पर्व हम मनाते हैं, छोटा बच्चा बन गया है, बड़ा अमीर बनना बन सकता था, राजमहल में पैदा हो सकता था, जिंदगी बहुत आसान होती, लेकिन उसकी जिंदगी आसान हो चुकी तो हमारा प्रतीक नहीं होता। हमारा प्रतीक बनना चाहा, हम जैसे बनना चाहा, कमजोर बना, एक ऐसा बच्चा जिसको कपड़े में लपेटे हुए, चरने में लगाया हुआ, उसके पास बेड भी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, चरनी है, इसलिए गरीब है अमीर है इसमें कोई बात नहीं है। लोगों के लिए हमारे जन अमूल्य है, और आप लोग जो छोटे हैं जैसे कि हम बड़े कभी जवान नहीं रहा, ये सोचिए कि मैं मेरे जीवन के साथ मेरी जिंदगी के साथ क्या करूँगा, क्या जो फादर बनना है सिस्टर बनना है ठीक है, लेकिन दूसरे लोग भी जो फादर नहीं बनते हैं सिस्टर नहीं बनते हैं शादी करते हैं उनके लिए भी बुलाहट है, बुलाहट है प्रभु के रास्ते में चलना, अपने जीवन का कुछ बनाना, दूसरों की सेवा करना। यही आशीष आप लोगों के लिए है, यही कृपा कि हमारे हर एक जन छोटे गाँव का होता है, लोगों का तारा देखते हुए सही रास्ते पर चलते thank you.
करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ कि यीशु उस जीते दिनों तुमने हमारे परिवार का हर एक सदस्य सुरक्षित रखा, उसी तरह आने वाला दिन में भी सभी परिवार के हर एक सदस्य को सुरक्षित रखना और अपने आशीष कृपा से धार देना, हर एक दुख तकलीफ, हर एक लोग लालच, हर एक प्रकार के दुर्घटना से बचाए रखना है यीशु, ताकि मैं सुस्वास्थ्य रहकर आने वाला दिन में दिनों दिन आपकी महिमा बढ़ाए करती रहूं, इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करती हूं। Thank you.
Thank you.
बाकी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तो सभी से लो और उसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, जमीन और अनंत में उसका कर जो बीमारे और लोगों की पापों की क्षमा के लिए आया जाएगा। तो Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
में माता मरियम का मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और इसलिए उसके पहले अभी यहीं पर मरियम की मूर्ति को और जिसका कपड़ा जो सेट दिए हैं सोचता हूँ विष्णु दयाल की परिवार को से मिला है तो उन्होंने पूछा था और जब मैंने उनको शादी के पहले आप मिर्जा के लिए कुछ कपड़ा दीजिएगा वो करके लाना पड़ता है क्योंकि उन्होंने तैयार किया है और कल परसों उसका शादी है जो उसका आशीष भी होगी और माता मरिया का उसके बाद हम लोग पूरा आशीर्वाद लेंगे जो जन्म व्रत का आशीष हमारे स्वामी देंगे उसके बाद हम लोग एक साथ मरिया का मूर्ति है उसको लेकर के ग्रोतों के पास जाएंगे और ग्रोतों की आशीष होगी और इसमें माता मरियम की प्रतिमा को वहाँ पर स्थापित किया जाएगा इसलिए अभी धन्यवाद की प्रार्थना के बाद में इसे आशीष होगी हम प्रार्थना करें हे दयालुदान ईश्वर संसार के मुक्तिदाता ने आज जन्म लेकर हमें नया जीवन प्रदान किया है वही प्रभु हमें अमरता अवदान हमारे अस्मित्व हमारे प्रभु करें
हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर तूने धन्य कुंवारी मरियम को यात्री कलीसिया के लिए भावी महिमा का प्रतिरूप बनाया है, यह कृपा कर कि तेरे विश्वासी पर जिन्होंने संत मरियम को यह प्रतिमा निर्मित की है भरोसे के साथ उनकी और अपनी आंख गाए जो निर्वचितों की समस्त प्रजा के लिए ज्वलन आदर्श है। हमारा यह निवेदन है प्रभु कृष्ण के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु हमारा सहायक है, हम प्रार्थना करें, ईश्वर तो धन्य है, तूने अपने एकमात्र पुत्र को सर्वश्रेष्ठ और शाश्वत याजक नियुक्त किया और मनुष्यों को चुना जो तेरे रहस्यों के अन्नदाता बने। हमारा निवेदन है इन परिधानों को जो पावन अनुष्ठान के लिए निर्मित है और जिन्हें तेरी आशीष प्राप्त है, तेरे याजक आदर पूर्वक धारण करें और अपने पावन आचरण में इन्हें मर्यादित करने का प्रयत्न करें। यह वरदे हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। हम लोग यहाँ से जाएंगे इसको माता मरियम को यहाँ से आदर सम्मान के साथ ले करके गोप के पास, इसलिए मूर्ति को लेने के लिए वहाँ पे पंच पंचायत समझाएंगे और हम लोग यहाँ से गाना गाते हुए गोपों के पास thank you.
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर ये हमारे प्रभु आज आपके जन्मदिन हम आपकी माता मरियम की सम्मान करते हैं। न सिर्फ आपकी माता बना के हमें दी लेकिन हमारी भी माता बनाई, हमें एक उदाहरण जैसा एक आदर्श जैसा हमारे सामने वो इस जिंदगी के रास्ते पे चली, हम जैसे कष्ट उठाए लेकिन हम जैसे प्रभु का सुख भी भोगते रही। हे प्रभु, हम हमारे माता मरियम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और विशेष करके ये छोटा सा जगह जो बनाया है वो हम ग्रोटो कहलाते हैं, लेकिन ये छोटा सा जगह है जहाँ माता मरियम की हम आके माता मरियम के मध्यस्थता से प्रभु को प्रार्थना कर सकेंगे। हे प्रभु, इस जगह पे आशीर्वाद डाल दे कि जो भी यहाँ अपने प्रार्थनाएं लेके आते हैं, अपने आशाएं लेके आते हैं, अपनी विनती लेके आते हैं, वो माता मरियम के मध्यस्थ से आपको पहुँचे और उनका वो संपूर्ण हो जाए। हमारे हर एक परिवार पे, इस गांव के और मणिका गांव के हमारे जो भाई बहन है उनकी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, माता मरियम के द्वारा इनको आशीर्वाद पाने के लिए कि ये अपनी जीवन में सदा आपके साथ आपका तारा देखते हुए खुश रहे, आपका आनंद भोगते रहे। प्रार्थना हम करते हैं वो हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रतिष्ठा तेरे में स्त्रियों में आदरणीय तेरे अवतार यीशु हे संभाव्य या भविष्य की माँ प्रार्थना करम पापियों के अब हमारे मरने के समय आ गई। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रतिष्ठा तेरे में स्त्रियों में आदरणीय तेरे अवतार यीशु हे संभाव्य या भविष्य की माँ प्रार्थना करम पापियों के अब हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रतिष्ठा तेरे धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का यीशु हे संत मां मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के अब हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के महिमा होवे जैसे आदि अभी पिता काटेंगे उसके बाद आशीष। अरे का कौन है, कौन बनाया ये? हरिलाल आइए आइए, आप लोग बनाएंगे और हम काटेंगे, क्या रे बनाइए। आइए पर देख, आप दोनों काटिए, मैं देखते रहता हूँ। करेंगे जैसे गिरजा के बाद निकलते हैं तो केवल गुरोटो के पास हम लोग प्रार्थना करते हैं, फिर यहाँ
रास्ता है। जब कभी भी हम लोग जंगल झाड़ या काम करने के लिए जाते हैं, माता मरियम के पास कम से कम एक बार सिर झुकाइए और थोड़ा सा माता मरियम का नाम लेके जाइए। निश्चित ही माँ मरियम हम सबों को काम में आशीष देगी और हमारे परिवार के सभी दुखों को सुखों को माता मरियम के माध्यम से हम लोग ईश्वर के पास पहुँचाएंगे। इसलिए इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सब बच्चे आइए, एक फोटो खींचेंगे सब बच्चे। और ऋषभ स्वामी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के दिन हमारे बीच में आए हैं और हम प्रत्येक के लिए प्रार्थना किए, हम सबों के लिए और पूरे गांव के लिए। और सब बच्चों मेरे पास आ जाए, जल्दी फोटो लेंगे। राजस्थानी तो इधर आओ सामने, धीरे धीरे बेबी, सामने धीरे धीरे। अच्छा फोटो जा है ना, है अच्छा अच्छा ये लाइए 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 अच्छा पहले ले दीजिए जाना बेटा। बहुत इधर है ना है, चलिए चलो, किसका बच्चा है? आपका है, सो गया पूरा। चलो चलो नहीं, चलो चलो अभी दे दिया। अच्छा अच्छा बाबू, एक वन डीपी फोटो है। डीपी फोटो आपस में देख करके आभास हो रहा है। आदरणीय स्वामी जी, पल्ली पुरोहित, धर्म पांडे और बहुत सारे मेहमान लोग दूर दूर से आए हैं, यहाँ के सभी माता पिता, भाई बहन और छोटे बच्चे। आज सचमुच हमें लग रहा है कि प्रभु यीशु हमारे बीच में पधारे हैं, जन्म लिए हैं। हम इस खुशी में हम सभी आपस में अपना जो दिल का खुशी है उसको हम प्रकट करते हैं। जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें पाता रसधार नहीं, वह हृदय हृदय नहीं पत्थर है, जो शीर्ष गांव के प्रति प्यार नहीं। तो आज हमारे स्वामी जी पल्ली पुरोहित धर्म भानों का पावन चरण इस छोटा सा गांव की कलिसिया में, इस धरती में आकर के इस धरती को पवित्र कर दिया। हम बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ साथ उन्हें एक गाना के द्वारा स्वागत भी करते हैं। तो इस सीरीज गांव की ओर से एक छोटा सा स्वागत गाना है। Hey.
ताली एक बार बजाएंगे सभी। तो हमारे बीच में जो विशिष्ट मेहमान अतिथिगण आए हुए हैं उनको सभी लोग शायद नहीं जानते हैं, इसीलिए हम लोग छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा परिचय लेंगे, इसके बाद आगे जो भी कार्यक्रम होगा होगा। मुझे को जो नहीं पहचानता है घर जाइए। मेरा नाम सुश्रानी दोस्त है, मैं बालवाड़ी स्कूल के बच्चों को देखभाल करती हूँ। मैं सिस्टर सुशाना बरला झारखंड से हूँ और मैं सेक्रेट हार्ट स्कूल चियांकी में पढ़ाती हूँ। दोनों को सभी पहचान। मेरा नाम सिस्टर अमला है, बिरसा नगर शाहपुर से। और किन्हें सुनना चाहते हैं क्या? और बाकी लोग पहचानते हैं ना? चलिए बहुत अच्छी बात। तो नहीं पहचानते बाद में मिलिएगा। हाँ व्यक्तिगत आप लोग भेंट कर लीजिएगा अगर नहीं पहचानते हैं तो। छोटा सा परिचय के बाद एक छोटा सा नाटक है, उस नाटक को थोड़ा थोड़ा सा आनंद लेंगे हम लोग। अच्छा डांस है, सॉरी हाँ नाटक नहीं अभी डांस है जो और आप लोग अपना करते चलिए, आप उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेता लोग इंतजार में, रांची कल नहीं मिल पाया ना तो आज बुलाएंगे। तो जल्दी जाना, जल्दी कीजिएगा ना, जल्दी कीजिएगा।
बच्चे बच्चियों, मैं यहाँ आज पूरे दिन के लिए भी रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैसे कल हम यहाँ आए, कल सुबह भी एक होलुंड में एक प्रोग्राम हो गया विस्तारण का, आज यहाँ करने चाहते थे तो बोले आज यहाँ नहीं कर सकते विस्तारण का, तो कल पूरा दिन व्यस्त रहे। जो आने वाले हैं आज शाम को सबों को बुलाए हैं वहाँ, तो वापस रांची जाना है। बिशप का काम बहुत व्यस्त रहने का काम होता है, जब जब दो धर्म प्रांत है तब तो और भी मुश्किल होता है। मैं दो ही शब्द कहना चाहता हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि आप लोगों से प्यार करता हूँ, आप लोगों से प्रेम करता हूँ और आप लोगों की भलाई के बारे सोचता हूँ। तो हम सोचे, क्रिसमस एक दूर गांव में हुआ था, जैसे मैं हमारे मुंशियों से बात कर रहा था और मुंशियों मुझे बोले कि वो एक ऐसे गांव में गया है हिमाचल प्रदेश में जहां सिर्फ 35
परिवार। मैं बोला मैं आपसे बेतुन कर रहा हूँ, मैं 35 से कम है वो गांव में जा रहा हूँ। सब तय होने के बाद ना एक ही याद दिलाता हूँ, कभी नहीं बोलना हम छोटे, हमारा सब कुछ भलाई प्रभु यीशु की छोटेपन से ही आया। और छोटे लोग यदि दिल से करे, छोटी कलीसिया यदि दिल से करे बहुत कुछ कर सकती है। आप लोगों को मेरा आशीष, और हम आएंगे और इस बार जब गर्मी का काल है तब एक बार आएंगे आप लोगों के पास, थोड़ा समय बिताएंगे, मिस्सा करेंगे जब समय मिलता है। जहाँ जहाँ पूरे गांव छिपे हुए हैं वहाँ जाने की मेरी कोशिश है, वहाँ जाके लोगों से मिलने की, लोगों के साथ प्रार्थना करने की, लोगों के साथ मिस्सा। लेकिन जब आता हूँ ज़्यादा टाइम नहीं होता है, फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के आप जब आप लोगों का रास्ता ठीक बनेगा ना, जो समय रास्ते पे बिताते हैं वो बचाएंगे तो आप लोगों की साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पे आशीष प्रदान करें। प्रभु अब कोई एक आपको चाहिए मामी मामी बोलते हैं ठीक। तब अभी बिशप स्वामी जाएंगे ना, उसके बाद आप लोग प्रोग्राम करते रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर और दूसरा प्रोग्राम जल्दी निकलने वाले हैं। स्वामी जी के सुंदर आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम लोग यह भी प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि जैसे सही सलामत आए थे वैसे ही सही सलामत वापस जाएं, और जहां भी जाना है प्रभु हमेशा उनके साथ रहे। निकालिए थोड़ा सा चेहरा कवर कर रहा है। आले बाबू अभी मुस्कुराना, पूरा मुस्कुराना आयशा। सो रही है, चलिए चल। सबों को जय यीशु जोहार, जय यीशु। करते रहिएगा ना, हम लोग थोड़ा नाश्ता करवाते हैं जी, कल भी नाश्ता नहीं किया है जी, उसके बाद में हम लोग सर से छोटा नाश्ता, खाने पीने पे टाइम खराब नहीं कर सकते। स्वामी जी दीज आर द लीडर्स, गिरजा कुछ उसके बाद और एक था तो राम नंदन है, माँ बाप का वे इनको बदल दिए हैं नंदन मिंजर। अच्छा नंदन मिंजर, नाम नंदन से भी कुछ नहीं है, नाम से कुछ नहीं होता है, दिल से होता है। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा है ना। ये बग्गू इसको मैं बिशप बनाऊंगा। अच्छा अच्छा नहीं बनेगा बोलता है। चलिए नहीं मुस्कुराते तो बाहर रखना रहे को चारों को, ठीक है। बाबू क्या करते हैं, दोनों यूनिफॉर्म लगा के घूम रहे क्रिसमस का भाई है क्या? हाँ नहीं दोस्त क्या करें,
छोड़ दिया तुरंत शरारत करता है ना लीडर है क्या जी हारमू वाला है मैं सोचा हारमू ये है इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा भी नहीं था आपके है बोलो कुछ नहीं होता जिसको घर जाना है जाने तो हमसे जरूरत नहीं रहा मैं अभी प्यार करता हूँ बोल दीजिए प्यार करते हैं चलो हम 5 मिनट देते हैं आप लोगों को उसके बाद हम चले जाते हैं 5 मिनट देते हैं कुछ नहीं खाएंगे एक थोड़ा सा खाएंगे ऐसा नहीं करना क्या क्या फ्रूट है मैं एक संतरा खाऊंगा और किधर किधर संतरा खाऊंगा एप्पल भी नहीं जन्म ले लै आज राजा चला सो भे पैतूलम जा कुंवारी मरियम कर गोरा में कोहार घर कर पोरा में कुंवारी मरियम कर गोरा में चला सो भे पैतूलम जा जन्म ले लै आज राजा चला सो भे पैतूलम जा
करवा हमन के यीशु के जन्म खबर देवा तारा के देखी देखी चरवाहा बैतूल दूत संत चरवाहा मन के यीशु के जन्म खबर देवा तारा के देखी देखी चरवाहा बैतूल जन्म ले लें आज राजा हवा चला सोभे बैतूलम जा आदमी मन राजा के दर्शन कर सोना लो बन कर राजा के भेंट चढ़ा धनी मनी आदमी मन राजा के दर्शन कर सोना लो बन कर राजा के भेंट चढ़ा दिल के प्रभु के देव छोटे सन दिल के प्रभु के देव जन्म ले लें आज राजा हवा चला सोभे बैतूलम जा जन्म ले लें आज राजा हवा चला सोभे बैतूलम जा आदमी मन प्रभु कर जन्म खबर पाल अपन राजा के पाल खुशी से झूमे लगल गरीब दुखी आदमी मन प्रभु कर जन्म खबर पाल अपन राजा के पाल खुशी से झूमे लगल राजा कर जन्म खबर सबके सुनाबू खुशी कर संदेश सबके बताबू जन्म ले लें राजा हवा चला सोभे बैतूलम जा जन्म ले लें आज राजा हवा चला सोभे बैतूलम जा मरियम कर कोरा में कोहर घर कर पोरा में कुंवारी मरियम कर कोरा में कोहर घर कर पोरा में बाल की यीशु चमका था जन्म ले लें आज राजा हवा सोभे बैतूलम जा जन्म ले लें आज राजा हवा चला सोभे बैतूलम जा